हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बर्थ भौतिक पर्यावरण में जो अध्याय 4 है उसमें जलवायु के संबंध में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि के बारे में डिस्कशन किया था, और उससे पहले हमने जो जलवायु और मौसम संबंधित डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कशन किया था, और बर्थ में जो तापमान और वर्षा की विविधता है उसको देखा था कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्षेत्र पे बारिश की विविधता कितनी है, डिफरेंस कितना है। उसके बाद में रीजनल लेवल पे देखा था, और उसके बाद में हमने तापमान की विभिन्नता के बारे में देखा था और विविधता के बारे में देखा था कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर तापमान कितना है, जैसे मरुस्थल में देखा था, प्रलय में देखा, और उसके बाद में हमने उत्तरी राज्यों का दक्षिणी राज्यों के साथ कंपेयर किया था। तो आज के इस सेशन में हम ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये वायुदाब तथा पवन है। अब ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि है उसमें पहला पॉइंट है वो दरअसल वायुदाब तथा पवन है। इनकी एक तो पवनों की डायरेक्शन क्या है और दरअसल वायुदाब की क्या स्थिति है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में भारतीय भौगोलिक क्षेत्र पर वायुदाब और पवनों की स्थिति क्या रहती है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। कहने का मतलब सूर्य जब उत्तरायण में आता है, कहने का मतलब सूर्य वापस कर्क रेखा की तरफ मूव करता है मकर रेखा से, तो उसी स्थिति को उत्तरायण की स्थिति बोलते हैं। और इस वजह से जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आता है तो उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। निम्न और उच्च का मतलब है धरातल पर और वायुमंडल में, दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। कहने का मतलब जो डायरेक्शन है पवनों की वो रिवर्स हो जाती है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है जिसे ITCZ बोलते हैं, उसके बारे में है कि विषुवत वर्त पर स्थित अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। पहली बात तो ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इसकी लोकेशन क्या है, वो विषुवत वर्त पर स्थित इसकी लोकेशन है अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र की, जो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवने मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। नॉर्मल सिचुएशन क्या है, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, और नॉर्थ में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 30 डिग्री सदर्न लेटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्दर्न लेटिट्यूड। यहाँ पे बात हो रही है ऊपरी वायुमंडल की, सॉरी सतह की, धरातल की। तो व्यापारिक पवन की डायरेक्शन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ आती है, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की दिशा है जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है, ये धरातल पर बहती है। लेकिन जब ये पवने विषुवत रेखा पर मिलती है, विषुवत वर्त पर मिलती है, मतलब भूमध्य रेखा पर मिलती है, तो ये क्या करती है, यहाँ से ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। ठीक है, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो जुलाई महीने में, कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में, ये गंगा के मैदान के आसपास स्थित हो जाता है। अब एक्चुअली में क्या है, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट है वो खिसकते रहते हैं सूर्य की स्थिति के हिसाब से। जैसे जून जुलाई में सूर्य कर्क रेखा पर, मतलब उत्तरायण स्थिति में होता है, और वापस दिसंबर के आसपास दक्षिणायन मतलब मकर रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जुलाई महीने में क्या होता है कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है,
और ये कर्क रेखा है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, सदर्न लेटिट्यूड और 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटिट्यूड, जिसे कर्क और मकर बोलते हैं, ठीक है। तो जुलाई में क्या होता है, सूर्य, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। अब जुलाई में क्या होता है, सूर्य इस सिचुएशन में होता है, सन यहाँ पे होता है, तो जुलाई के आसपास, जून जुलाई के आसपास सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो इस वजह से जो प्रेशर बेल्ट है वो भी थोड़े नॉर्थवर्ड खिसक जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही ITCZ भी, चूंकि ITCZ क्या है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है विषुवत वृत्त पर, ये एक्चुअली में 0 डिग्री अक्षांश पर, इसको काल्पनिक माना जाता है, और जैसे जैसे वायुदाब जो प्रेशर बेल्ट उत्तर और दक्षिण दिशा में खिसकते हैं, वैसे वैसे ITCZ भी खिसकता जाता है। तो जुलाई के आसपास इसकी लोकेशन क्या रहती है, ये लगभग 25, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में, कहने का मतलब कर्क रेखा से नॉर्थवर्ड चला जाता है लगभग गंगा के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है जुलाई में। उसके बाद इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं, ये मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब मानसूनी गर्त का मतलब क्या है, कि ये वर्षा के संबंध में जो रेनफॉल होता है इंडिया में, उसके लिए पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव कैसे है, कि मानसून गर्त का निर्माण हो रहा है, कहने का मतलब उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में ये क्या करता है, लो प्रेशर इस वाले रीजन में क्या करता है, एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करता है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो इस वाले रीजन में लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट करेगा, तो क्या होगा कि ITCZ के उत्तर की ओर के सरने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार करती है। अब एक चीज और क्लियर करनी है, जैसे इसको आप 0 डिग्री मान लो यहाँ पे, अब दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन क्या रहती है, वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में रहती है, और जैसे ही ये 0 डिग्री को क्रॉस करती है, तो इनकी डायरेक्शन है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है, जिसे हम मानसून पवनों के नाम से जानते हैं। और ये 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब है अफ्रीका के कोस्टल एरिया और मेडागास्कर के पूर्व में जो हिंद महासागरीय रीजन है, ठीक है, उस वाले जो क्षेत्र को 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में मतलब मानते हैं, और इस बीच में विषुवत वृत्त को पार करती है, कौन करती है, व्यापारी पवन उत्तरी गोलार्ध में आती है, दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारी पवन उत्तरी गोलार्ध में मुड़ती है। तो जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की डायरेक्शन होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो उत्तर पूर्व दिशा में चलती है दक्षिण पूर्व से, सॉरी दक्षिण पश्चिम से, ठीक है। आगे है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, यही दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है। जो ये जो डायरेक्शन चेंज की है विंड्स ने, ये ही रियल में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। अब चूंकि शीत ऋतु में क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, सॉरी अपना जो रे एंगल है वो मकर रेखा पर 90 डिग्री का बनाता है, तो इसकी वजह से क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु रहती है, और जैसे जैसे प्रेशर बेल्ट सूर्य के साथ साथ दक्षिण में खिसकते हैं, मकर रेखा की तरफ खिसकते हैं, तो दक्षिण बेल्ट का मतलब, खिसकने का मतलब है कि ज्यादा नहीं खिसकते, 5 डिग्री के आसपास खिसकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये विषुवत रेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, तो कहने का मतलब जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो ये जो 0 डिग्री जो ITCZ है ना, जो प्रेशर बेल्ट है ना, सॉरी ITCZ तो 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास चला जाता है, और जो प्रेशर बेल्ट है ना, वो क्या है कि लगभग 5 डिग्री के आसपास खिसक जाते हैं, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा माने तो जो 0 डिग्री पर प्रेशर बेल्ट था नॉर्मल कंडीशन में, वो जून जुलाई के आसपास जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना, तो वो 5 डिग्री के आसपास 0 डिग्री वाला आ जाता है, ठीक है, ऐसे 5 डिग्री उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं। और सेम कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के साथ होती है, सॉरी प्रेशर बेल्ट के साथ होती है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो ये प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री साउथ में खिसक जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो पैटर्न ऑफ फ्लो है नॉर्थ और साउथवर्ड, इनका ये जनरली 5 डिग्री के आसपास होता है, और ये उत्तरी गोलार्ध में भी, सॉरी उत्तरी जो लेटिट्यूड है उनके साथ भी सेम होता है।
तो ITCZ के बारे में यही है कि विषुवत रेखा को पार कर जाती है, और कोरिओलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारी कवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो जाती है, और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, यही उत्तर पूर्व मानसून है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में तो हमने चीज क्लियर कर ली कि भाई साहब जब व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को क्रॉस करती है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। पहले दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बहती है, जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करेगी तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगेगी, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। अब शीत ऋतु में क्या होता है, रिवर्स सिस्टम होता है, ठीक है, इन विंड्स का। शीत ऋतु में क्या होता है कि ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है, और इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। ये दक्षिण पश्चिम से वापस क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगती है, तो इसीलिए ये उत्तर पूर्व मानसून कहलाते हैं, जिसे शीत ऋतु शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखते हैं, जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। जो ITCZ की जो लोकेशन है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। पश्चिमी जेट प्रवाह हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो ये है, ठीक है, भारत में शीत ऋतु के टाइम में जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहता है। ठीक है, इसी समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने और पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदानों से लौटने के बीच में अंतर संबंध है। कहने का मतलब कि जब ITCZ नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, कहने का मतलब उत्तरी मैदानों की तरफ, तो उसी समय साथ में जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो क्या है, उत्तरी मैदानों से वापस उत्तर डायरेक्शन में मूव कर जाता है, आगे कर जाता है। तो इनके बीच में अंतर संबंध है। अंतर संबंध का मतलब है जब ITCZ नॉर्थवर्ड मूव करता है तो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो अपना जो गंगा के मैदान और उत्तरी मैदानी क्षेत्र है उन जगह को छोड़कर वो थोड़ा उत्तरवर्ड मूव कर जाता है। पर ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में कार्य कारण का संबंध है। अब एक चीज कोई वर्क करेगी तो दूसरा उसका रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन वाली बात हो गई, ठीक है। तो जैसे ही ITCZ नॉर्थवर्ड मूव करेगी तो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो नॉर्थवर्ड अपना जो कहने का मतलब प्रीवियस लोकेशन है उस पे चला जाएगा। उसके बाद में है ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने पढ़ा था ITCZ, अभी पढ़ा उस समय पढ़ा था कि ये मानसून गर्त, कभी कभी इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। अब मानसूनी गर्त क्यों कहता है, इसका कारण ये है कि ये सभी दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु शांति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दबाव वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आदर वायु धारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। ITCZ पढ़ा था उस समय, पढ़ा था हमने अभी जस्ट पहले, कि विषुवत रेखा को व्यापारी पवन क्रॉस करती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज कर देती है, और ये पवन क्या करती है, इस मानसून गर्त को भरने के लिए, कहने का मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है तो इस क्षेत्र में मूव करती है, तो यहाँ पे उत्तरी मैदान क्षेत्रों में बरसात होती है, इसी को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहते हैं। उसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। अब आगे ये बोल रहा है कि वायुदाब एवं पवनों की उपर्युक्त प्रतिरूप केवल सौर मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। क्या जो वायुदाब और पवनों का उपर्युक्त प्रतिरूप है वो केवल सौर मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। ये जो अभी हमने धरातलीय पवने और वायुदाब पढ़ा था ये केवल सौर मंडल के निम्न स्तर पर, कहने का मतलब धरातलीय स्तर पर ही पाया जाता है, अभी वायुमंडल की बात हमने की नहीं है, ठीक है, अभी कर रहे हैं। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ये जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है।
अब सिंपल बात बोल रहा है कि जो एक जेट प्रभाव हमने शीत ऋतु में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पश्चिम से पूर्व की तरफ 9 से 13 किलोमीटर के बीच में पवन चलती है ऊपरी वायुमंडल में, और वो क्या करती है, तिब्बतियन प्लेटियों की वजह से बाइफरकेट हो जाती है और एक ब्रांच उत्तर में चली जाती है, दूसरी हिमालय के दक्षिण में पूर्व दिशा में मूव करती है। अब वैसी की वैसी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में चलती है, वो कहाँ चलती है, वो चलती है यहाँ पे साउथ में, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास क्या होती है, अगस्त में होती है, अगस्त में 15 डिग्री के आसपास होती है, और ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास सितंबर में आ जाती है। जैसे जैसे कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु कम होती है और शीत ऋतु की तरफ मूव करता है क्लाइमेटिक जो सिस्टम है, उसके साथ साथ ये जो पूर्वी जेट प्रवाह है ये उत्तर दिशा में मूव करता है, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। 30 जेट जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ना, वो 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से पार नहीं आती है, कहने का मतलब उससे ज्यादा उत्तरी अक्षांशों में नहीं जा पाती है। तो ये जेट प्रवाह का संचरण है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास चलता है। उसके बाद में पूर्वी जेट प्रवाह तथा अंतःउष्ण सॉरी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब जो पूर्वी जेट प्रवाह और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनका क्या रिलेशन है, इसमें देखते हैं। पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं, कहने का मतलब जिस रीजन में भारत में जिस रीजन में बारिश ज्यादा होती है वो रीजन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले, और इन चक्रवातों को भारत में कौन लाता है, पूर्वी जेट प्रवाह। अगर इन चक्रवातों की बारंबारता दिशा गहनता और प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं, कहने का मतलब जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून होती है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, वो पूर्वी जेट प्रवाह करते हैं, क्योंकि पूर्वी जेट प्रवाह अपने साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेकर आते हैं और भारत में बारिश को बारिश के लिए इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारतीय मेनलैंड पर लाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे है भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून की प्रकृति करने से पहले हम अल निनो और भारतीय मानसून का जो रिलेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अल निनो क्या होता है और भारतीय मानसून पर अल निनो का क्या प्रभाव पड़ता है। अल निनो एक जटिल मौसमी तंत्र है। अल निनो एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा बाढ़ मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। अल निनो एक जटिल मौसम तंत्र है। अभी तक प्रेजेंट टाइम में अभी तक कहने का मतलब अल निनो का जो प्रोसेस है, जो इसका फॉर्मिंग प्रोसेस है, फिर वो जो जो वर्ल्ड क्लाइमेट को इम्पेक्ट करता है वो कितना करता है, कहाँ पर क्या इनकी वजह से चेंज हो जाते हैं, उनको अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि अल निनो एक्चुअली में किन किन रीजन को इम्पेक्ट करता है और कितना सीवियर है, ठीक है। ये हर 5 या 10 साल बाद में प्रकट होता है और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा बाढ़, कहने का मतलब जब अल निनो आता है जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जिस समय अल निनो नहीं आता है उस समय नॉर्मल कंडीशन में अच्छी बारिश होती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जिस टाइम अल निनो आता है उस समय वहां पे अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, और जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन होती है अल निनो नहीं आता उस समय वहां पे सूखा पड़ता है, तो अल निनो आता है उस समय वहां पे बाढ़ के हालात हो जाते हैं, मतलब बारिश हद से ज्यादा होती है। उसके बाद में इस तंत्र में मतलब अल निनो एक जटिल मौसम तंत्र है, इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। सॉरी कहने का मतलब अल निनो जो एक जटिल मौसम तंत्र है इसमें वायुमंडलीय और महासागरीय परिघटनाएं शामिल होती है। जो अल निनो का जो इम्पैक्ट है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, जो महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं होती है जो क्लाइमेट से रिलेटेड टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड की डायरेक्शन और इंटेंसिटी, इनकी चेंजेज की वजह से अल निनो जनरेट होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू के तट के निकट एक उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, कहने का मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इधर एशिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूर्वी प्रशांत यहाँ पे पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट
यहाँ साउथ अमेरिका में पेरू के तट के निकट ये उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, और इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होते हैं। अल निनो से भारतीय जो मानसून पैटर्न है वो उसमें चेंज हो जाते हैं। अल निनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या अथवा हम्बोल्ट धारा, ठीक, इसको हम जो 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसमें हम ओशियन वाटर सर्कुलेशन पढ़ेंगे। उस समय वर्ल्ड की जो मेजर ओशियन करंट्स है, वार्म एंड कोल्ड, उनको डिस्कस करेंगे। उस समय देखेंगे इसकी लोकेशन। तो ये क्या करता है, एल निनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है। अब नॉर्मल पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे बहती है पेरू की ठंडी जलधारा दक्षिण से उत्तर दिशा में। जब अल निनो आता है तब क्या होता है कि इस ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित कर देता है, और इसकी जगह ये अल निनो बहनी शुरू हो जाती है, सॉरी, ये भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा बहनी लग जाती है। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। चूंकि हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन करंट है जो कोल्ड वाटर करंट है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम रहता है। जब अल निनो आता है और भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा आती है, चूंकि ये वार्म है, ठीक है, उष्ण है, उष्ण की वजह से क्या है कि टेम्परेचर 10 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसके निम्न परिणाम है। पहला है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। अब ये यहाँ पे भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण है, कहने को जो लोअर और अपर एटमॉस्फेयर एयर सर्कुलेशन है उसमें चेंज हो जाते हैं। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, जो सी सरफेस वाटर में जो इवोपरेशन होता है, वाष्पन होता है, उसमें इरेगुलरिटी आती है। उसके बाद में पलवक की मात्रा में कमी आती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। अब एल निनो क्या है, उष्ण है, तो इसकी वजह से क्या है, पलवक के निर्माण में ये मतलब सहायक नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां जनरेट नहीं करती है। अनुकूल परिस्थितियां पलवक निर्माण में पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट करती है। तो चूंकि ये गर्म होती है, इसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, और उनकी वजह से मछलियों को भोजन नहीं मिलता है, तो मछलियों की संख्या घट जाती है। एल निनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। अब ये अर्थ है, ये कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा है, ठीक है। तो इसमें जब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है जब हमारे जून जुलाई में कर्क रेखा पर कहने का मतलब सीधी सोलर रेडिएशन पड़ती है, जब उत्तरी गोलार्ध में जून जुलाई में हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दिसंबर के आसपास पेरू कोस्ट पर वहां पे ग्रीष्म सॉरी दिसंबर गर्मी का महीना होता है, ठीक है। उसके बाद में भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल निनो का उपयोग होता है। सन 1990 अल निनो का प्रचंड रूप देखने को मिला। इसके कारण देश का अधिकतर भागों में मानसून का आगमन 5 से 12 दिन की देरी देरी हो गई थी। जो पहले पैटर्न चलता था मानसून का ऑन टाइम आने का, वो थोड़ा डिले हो गया इसकी वजह से 1990 और 91 के आसपास। उसके बाद है भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून की प्रकृति है, मानसून एक सुपरिचित जलवायवीय घटक है, परंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कहने का मतलब अभी जो मानसून है, इंडियन मानसून है, उसको एक उसका पैटर्न क्या है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसको एक प्रॉपर वे में अभी समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। इसका कारण है कि मानसून का देरी से आना और जल्दी लौट जाना, और कभी कभी अल निनो आते रहते हैं, तो अल निनो का पता नहीं चलता है कि अल निनो कितना स्ट्रांग है, कितना भारतीय मानसून को इम्पेक्ट करेगा। और दूसरे भी बहुत सारे कारण है, जो विंड डायरेक्शन को लेकर है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और एटमोस्फेरिक एयर प्रेशर से संबंधित है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सर्दियों से होते आ रहे सॉरी सॉरी सर्दियों नहीं है, सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है।
मानसून की सही सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया जाने लगा। कहने का मतलब, पहले मानसून का अध्ययन रीजनल लेवल पर करते थे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया या साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में, इसी एरिया में मानसून का रिसर्च करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ग्लोबल लेवल पर ऑब्जर्व किया जा रहा है मानसून को, मानसून की प्रकृति को, जैसे पैसिफिक ओशन में एयर प्रेशर और विंड की डायरेक्शन क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, उससे जो इंडियन ओशन पे मूवमेंट हो रहा है टेम्परेचर का, चाहे विंड डायरेक्शन का या हाई प्रेशर लो प्रेशर का, उसको कंपेयर किया जाना, और इसी तरह जो अदर लोकेशन है उसके साथ में इंडियन मॉनसून को, जैसे तिब्बतियन प्लेट्यू का भी कोरिलेशन किया गया कि तिब्बतियन प्लेट्यू इंडियन मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में तो अभी क्षेत्रीय स्तर से भूमंडलीय स्तर पर इसका रिसर्च किया जा रहा है भारतीय मानसून के बारे में। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। कहने का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है, और इसके कुछ विशेष पक्ष, ठीक है, वो है, पहला है मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। कहने का मतलब, मानसून का आरंभ क्या है और उसका स्थल की ओर बढ़ने का क्या कारण है, किस वजह से स्थल की ओर आता है। वर्षा लाने वाले तंत्र, उदाहरणतः उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और मानसूनी वर्षा की आवृत्ति क्या है एवं वितरण के बीच में संबंध क्या है, और उसके बाद में मानसून विच्छेद। कहने का मतलब, मानसून विच्छेद होना, बीच में गैप आ जाना, ठीक है, वो किसके कारण होता है, इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मानसून का आगमन है उसके बारे में बात की गई है कि एक जून के आसपास मानसून केरल को टच कर जाता है, 1 जून के आसपास, और 5 जून के आसपास ये कहने मतलब गोवा के आसपास कर्नाटका के कोस्ट पर आ जाता है, 10 जून के आसपास बॉम्बे और इधर भुवनेश्वर और पटना के आसपास आ जाता है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 1 जून के आसपास त्रिपुरा और मिजोरम के आसपास आ जाता है, 5 जून के आसपास कोलकाता और इधर सिक्किम के आसपास आ जाता है, उसके बाद में 15 जून के आसपास अहमदाबाद भोपाल और लखनऊ के आसपास आ जाता है, 1 जुलाई के आसपास ये राजस्थान में एंटर करता है। ठीक है, वैसे तो 15 जून को भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन अरावली के पश्चिम में 1 जुलाई के आसपास आता है और पंजाब तक 1 जुलाई तक पहुंचता है, और 15 जुलाई को ये जैसलमेर और इस राजस्थान के पश्चिमी बेल्ट में बीकानेर चूरू इस रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे भारतीय मानसून का आरंभ और उसका प्रोसेस क्या है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आगमन की सामान्य तिथियां। ठीक है, तो इसमें दो चीजें याद रखनी, एक तो 1 जून को तट पर आता है केरल के आसपास, और 15 जुलाई को पूरे भारत में कहने का पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वाले बेल्ट तक पहुंच जाता है, तो ये अवधि लगभग 1.5 महीने की होती है, तो 1.5 महीने के अंतराल में जो मानसून है वो पूरे भारत में फैल जाता है।